मैं ही हूं। अच्छा चलो भगवान आपको, चलो मैं 2 मिनट आप ध्यान सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू मेरे चरणों में आ जा, तू मेरे मेरे पे समर्पित हो जा, सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि तू कुछ है ही नहीं। जो कुछ हूं, अगर आपने देखे महाभारत, जो कुछ हूं वो मैं हूं। भगवान मैं कहते हैं, बात समझ में आती है। आज तो इंसान मैं कह रहा हूं और मैं हैरान हूं सर, हैरान हूं, सही बता रहा हूं सर, और मैं हैरान हूं हर इंसान के मुंह से। आज जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके मुझे सुनने को मिलता है ये काम मैंने किया। तेरे को पता है मैंने सीएस फर्स्ट शॉट में निकाल दी, तेरे को पता है मेरा सीएस में रैंक आया है, तेरे को पता है इस बार मैं इतने परसेंट लेके आऊंगा, तेरे को पता है इस बार मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा। एक तो मैंने ही खा लिया दुनिया को, सही बता रहा हूं, दुनिया को तो मैंने ही खा लिया सी। मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब बच्चा बोलता है कि मेरा रैंक आया, तो मेरा रैंक का मतलब क्या? सारा कुछ आपने किया था। मतलब ना तो उसमें कोई पढ़ाने वाले टीचर थे, ना जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वो बुक्स थी, ना आपके मम्मी पापा ने खाना बना के दिया आपको, ना उन्होंने सुबह उठाया जी, ना उन्होंने आपके कपड़े प्रेस करके दिए आपको, ठीक है जी, ना उन्होंने आपको, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों आप ये तो कह रहे हो मेरा रैंक आया? सर मेरा का मतलब क्या होता है? मैं का मतलब क्या होता है कि मैं ही मैं हूं। कहते ना अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर कहा था कि मैं ब्रह्म हूं, वो बात समझ में आती है भगवान थे। हम आजकल अहम ब्रह्मी, हम मतलब कहते हैं ना अहम ब्रह्म, कि मैं ही ब्रह्म बन जाते हैं। आपने कभी सोचा मैं दिन में कितनी बार यूज करते हैं? बच्चे कहते हैं सर तो क्या यूज करना चाहिए? आप ये यूज करो ना मैं क्यों। आप ये कह सकते हो कि भैया मेरा जो रैंक आया वो मेरी वजह से नहीं आया। आपको मैंने पहले भी कहा था, आप तो प्रोफेशनल वाले बच्चे हो, आप तो मेरी बात समझ सकते हो, अब तो आपको करियर आना है। सर अगर करियर आपको ग्रो करना है ना, जिस मुकाम पे मैंने कहा ना आपको जाना है, वो मुकाम तभी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर अपने अंदर से मैं वर्ड निकाल दोगे। आपको मैंने उस दिन डाउट सेशन के अंदर भी ये बात समझाई थी, वैसे अब 2 मिनट लूंगा मैं आपके, डाउट सेशन के अंदर भी ये बात समझाई थी कि आपके अंदर मैं वर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी, सिंपल एक बात है सर, आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आप पहली बात तो वो सारा का सारा काम समर्पित कर दो। समर्पित का मतलब पता क्या होता है? समर्पित का मतलब ये होता है कि भैया जो भी मैं काम कर रहा हूं वो मेरी वजह से मैं नहीं कर रहा सर। सिंपल सी बात है, कराने वाली कोई पावर है तभी काम किया जा रहा है सर, नहीं तो दुनिया 100 लोग बैठे हैं और यहां पे 100 के 100 लोग ही अलग अलग काम करते हैं, हम ये कैसे कहते हैं कि हम बेस्ट हैं? और मैं आपको क्यों समझा रहा हूं जी? क्योंकि आपका करियर आगे है। तो पहली बात तो ना मैं की ये रट जो है ये आपको थोड़ी सी हटानी पड़ेगी अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं ही बेस्ट, मेरे से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही करके दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने वो करके दिखा दिया। वाह यार, मतलब तुमने ही सब कुछ करके दिखाया है, बाकी तो किसी ने कुछ करके नहीं दिखाया। सारे मतलब आप जब बोलते हो ना मैं, तो आप ये सोचते ना कि पीछे जो आपके इतने सारे लोग बैठे हैं उनकी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी है। वो बस बोल नहीं रहे, बस कर दी है। अगर मैं बोलूं कि मैं सीए 20 साल के एज के अंदर बन गया, तो मैं बन गया क्या? मतलब ही पैदा नहीं होता सर। अगर एक दिन मम्मी बोल देती ना वे खाना नहीं बना रही आज, चल सुबह उठ के खाना बना ले और अपना खाना खुद पैक करके लेके जा, तो भाई साहब उस दिन मेरे तोते उड़ जाते। अगर एक दिन मेरे पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते ना, उस दिन मैं काम ही नहीं कर पाता था। आधे काम तो करे किराए मिलते हैं तब जाके हम पढ़ पाते हैं, अगर वो काम करने से कुछ बंद हो जाए ना तब पता लगे पढ़ाई होती है। तो सिंपल सी बात है, हमें आज तक वो चीजें पता ही नहीं लगी। आपको भी पेरेंट्स की तरफ थोड़ा सा नजर उठा के देखना कि वो आपके लिए क्या करते हैं। आप जिंदगी में कभी वो काम उनके लिए कर पाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है नहीं? चलो इधर सुनो ध्यान से, अब वापिस आ जाऊंगी, मुझे एक लेक्चर दे रहा आपको तसल्ली से, और मैं आपको सिखाऊंगा जिंदगी जीने का तरीका। मैं ये नहीं कह रहा मुझे जिंदगी जीने का तरीका ज्यादा आता है, बट मैंने जो चीजें फेस की हैं सर, चाहे मेरी एज अभी इतनी नहीं होगी, बट उस एज के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मैंने सहा है, और ऐसी ऐसी आपको दिखा दूंगा ना, आप लाइफ में कभी भूल के गलतियां नहीं करनी। आपने वो भूल के, जो गलतियां मैंने की हैं, मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भूल के गलती नहीं करेगा। कभी लगाऊंगा, आराम से टाइम लगाऊंगा, एक बार पहले मैं आपके एग्जाम निकलवा दूं, थोड़े से आपकी तैयारी करवा दूं अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिंदगी जी कैसे जाती है, किस तरह से जी जाती है, अगर आपको अच्छे इंसान बनना है। जी इंसान बहुत हैं, अच्छे इंसान बहुत कम है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा जी, इंसान तो सारे बाहर के अंग, सब अपने आपको इंसान ही बोल रहे हैं ना, इंसान तो सारे अच्छे इंसान को, अच्छे इंसान को ना सर। सिंपल सी बात है, जिंदगी जी कैसे जाती है, अपने लिए भी जीनी है, और ऐसा नहीं कि अपने लिए ही जीनी है, वो तो सबसे गलत जिंदगी होती है।
अपने लिए भी जियो बट दूसरों को देख के जियो।